बीते कुछ दिनों में ओशिवरा में कई दुर्घटनाएं सामने आई, जहां गाड़ी कभी किसी स्टॉल पर चढ़ जाती तो कहीं बच्चे का एक्सीडेंट होता। ऐसी कई घटनाएं घटती रहती है, लेकिन इन दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है सड़कों पर ट्रैफिक। लेकिन यह ट्रैफिक सिर्फ सिग्नल की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के अवैध पार्किंग की वजह से है। एक तरफ जहाँ रिक्शा वाले गैस भरने के लिए कतार में खड़े होते हैं, वहीं बगल में टेम्पो के अवैध पार्किंग लगी रहती है, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक जाम होती है। तो चलिए हम अपने संवाददाता की मदद से यहाँ के क्षेत्र का जायजा लेते हैं और जानते हैं उनकी ट्रैफिक की परेशानी। तो बहुत बरसों से सिंगल और पेट्रोल दोनों साथ में मिला हुआ है। अब यहाँ सिंगल रुका, यहाँ ट्रैफिक, यहाँ बोले तो रिक्शा की लाइन, यहाँ पेट्रोल की लाइन, मतलब हम में से के लिए तकलीफ ही तकलीफ है हम लोग को। अभी ये तकलीफ किस तरह से दूर हो सकता है वो मालूम नहीं। प्रॉब्लम वो है कि ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है, और जो पंप पर जो है 20 रुपया करके के गाड़ी का एक्स्ट्रा पैसा लेता है, बाहर से गाड़ी जो है घुसा घुसा के भरता है, जिसके कारण से ये लाइन जो है डबल और लंबा लाइन लग जाता है। वाला रहेगा तो ड्यूटी यहाँ रहेगा तो कोई सिग्नल तोड़ता नहीं, सेफ सिग्नल तोड़ते घुस जाते चारों बजे जाके, कोई सुनता ही नहीं है, तो कैसे सिग्नल का कोई पालन नहीं किया। जब से सिग्नल लगा है ना, जब से कोई आरटीओ वाला यहाँ खड़ा ही नहीं है ना। इस वक्त हम खड़े हैं जोगेश्वरी पश्चिम के ओशिवरा इलाके में, जहाँ लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि रोड पे जो हादसे हो रहे हैं, लगातार ये खबर आ रही है, और लगातार ऐसे हादसे हमने आपको दिखाए हैं कि कोई राहगीर किसी गाड़ी से दब जाता है, या किसी स्कूल बस से कोई बच्चा उसकी चपेट में आ जाता है। इसका एक ही कारण है, और वो यह कारण है जो हमने आपको बताया कि किस तरह से ओशिवरा ब्रिज या ओशिवरा के लगभग जो SB रोड है उस पर लेफ्ट एंड राइट पर अवैध पार्किंग की गई है, टेम्पो की पार्किंग की वजह से, और साथ ही यह पेट्रोल पंप है जहां पर गैस की यानी CNG की लाइन लगी रहती है। आधा रोड तो टेम्पो की पार्किंग से, और उसके बाद बचा हुआ रोड इस रिक्शे वाले यानी जहां CNG भरते हैं वो जो है हथिया लेते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम पड़ जाती है और ट्रैफिक, और उसके बाद जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको समस्या होती है। लेकिन अब एक याचिका दी गई है कि इसे इस ट्रैफिक से छुटकारा दिया जाए, ताकि ऐसे हादसे कम हो। हमने अब जैसे कि जाना कि यहाँ के रिक्शे वाले और यहाँ से लोगों से भी जाना कि आखिरकार इस समस्या का निजात कैसे दिलाया जाए, तो उन्होंने बताया कि इस पेट्रोल पंप और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से ये समस्या लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और इस समस्या की वजह से लगातार घटनाएँ जिनमें किसी घायल या किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु होने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि ओशिवरा पुलिस स्टेशन और स्थानीय नगर सेवक और यहाँ के विधायक आखिर क्या करते हैं इस घटना के लिए। कैमरामैन दानिश खान के साथ रामा यादव, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।